हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक महीना, दो महीना, तीन महीने का कोई भी ब्रीड का लैब पपी या कोई भी ब्रीड है, स्टार्टर फीड किया जाता है, तो आप उसको कैसे खिला सकते हैं। जैसे कि ये स्टार्टर हुआ, तो इसको गर्म पानी में मैंने इसको खुला दिया है, ये सॉफ्ट हो चुका है। और मैंने कार्ब्स के लिए इसमें हल्का राइस, आधा नहीं 40% राइस ऐड किया है। और ये मेरे पास है रूल्स का ग्रेवी, ये तीनों मिक्स करके मैं इसको देने वाला हूँ, तो आप देखिए कैसे देना है। और अगर ज़्यादा छोटा है, ये तो जैसे कि 2 मंथ प्लस है, तो इसको ऐसे फुला करके डाइट भी दे सकते हैं। अगर छोटा ब्रीड का छोटा डॉग है, छोटा पपी है, तो आप उसको पूरा मैश करके, मैश करने का मतलब कि जैसे कि आप ये है एक दाना है, तो मैश ऐसे पूरा मिला दिए, तब देंगे। ठीक है, खाने चालू करके ग्रेवी मिलाना होगा, तो पहले ग्रेवी मिला देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ग्रेवी डाल दे रहे हैं इसके ऊपर से, अच्छा से मिला लेंगे ग्रेवी, अच्छा सब मिक्स कर दे रहे हैं कि टोटल सब में मिल जाए, सब अच्छे से खाएगा। ग्रेवी मिलाने का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेवी हम मिला देते हैं कि थोड़ा अच्छे से खाए, मन से खाए। अच्छे से सब मिला दिए, उसके बाद देखिए कैसे बेचैन हो रहा है, देखिए खाने के लिए पूरा बेचैन है। उसके बाद आप दे दीजिए इसको, पूरा मन से खाएगा, देखिए जल्दी जल्दी खा रहा है हर बार से, और बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, क्योंकि इसमें आप स्टार्टर के साथ साथ कार्ब्स भी ऐड किए, राइस में कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्ब्स आप दे दिए, और टेस्ट के लिए और प्रोटीन के लिए ग्रेवी भी आप दे दिए, चिकन ग्रेवी पैकेट का जो रूल्स का आता है, तो ओवरऑल सारा मिला करके बहुत ही अच्छा खाना हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा मील हो जाता है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा देखते रहना है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मेरा आते रहेगा।